दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आईपीएल 2021 का 16वां मैच आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। मैच के दौरान आरसीबी की टीम ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 177 रन ही बना सकी, जिसके जवाब में उतरी आरसीबी ने लक्ष्य को हासिल कर लिया और मैच में आरसीबी को 10 विकेट से जीत मिली। मुकाबले के दौरान राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी पर नजर डाले तो टीम की ओपनर बल्लेबाज जोस बटलर, मनन वोहरा एक बार फिर फेल हुए। वहीं टीम के कप्तान संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर सके। राजस्थान के लिए मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे एवं निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने आए राहुल तेवतिया और रियान पराग ने जबरदस्त प्रदर्शन का नजारा पेश किया और टीम को 177 रन तक पहुंचाया। वहीं आरसीबी के गेंदबाजों पर नजर डाले तो मुकाबले में मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल से बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली। मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 27 रन खर्च करते हुए 3 विकेट झटके। वहीं हर्षल पटेल भी 3 विकेट लिए। इन दोनों के अलावा केन रिचर्डसन को 1 विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी आरसीबी की टीम के कप्तान विराट कोहली और ओपनर बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने शानदार प्रदर्शन का नजारा पेश किया, जिसके बदौलत आरसीबी की टीम बड़े आराम से लक्ष्य तक पहुंच गई और आरसीबी की ओर से विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने शानदार पारी खेली। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर नजर डाले तो टीम के गेंदबाज उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर सके। मैच में राजस्थान की ओर से लगभग सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए। वहीं मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने विराट कोहली को जल्दी आउट करके वापस पवेलियन भेजने के लिए श्रेयस गोपाल को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया था, क्योंकि श्रेयस गोपाल आरसीबी के खिलाफ कई बार बेहतरीन गेंदबाजी कर चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि वह विराट कोहली को ज़्यादा परेशान करे। मैच में विराट कोहली ने पहले ही ओवर में गोपाल की गेंद पर छक्का मारकर सारा दबाव गोपाल के ऊपर डाल दिया। गोपाल ने 3 ओवर में 35 रन खर्च किए।